डिक्शनरी डेटा टाइप के बारे में समझेंगे आज हम। डिक्शनरी डेटा टाइप पाइथन में किस तरीके से यूज किया जाता है, ठीक है। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं और समझते हैं डिक्शनरी डेटा टाइप। तो यहाँ पर पाइचार्म एप्लीकेशन मैंने ओपन किया है, आप चाहे तो अपनी ट्रेडिशनल आईडी भी यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं डिक्शनरी से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक डिक्शनरी बना लेता हूँ और वो डिक्शनरी बनाऊंगा मैं माई स्टूडेंट के नाम से। तो ये मैंने माई स्टूडेंट के नाम से एक डिक्शनरी बना ली, ठीक है। और इज इक्वल टू, अब डिक्शनरी की खासियत होती है कि वो कर्ली ब्रेसेस में लिखा जाता है, जो भी चीजें अंदर लिखी जाती है वो कर्ली ब्रेसेस में रहेंगी। और इसमें की और वैल्यू दोनों होती है। तो देखिए ये लिख दिया हमने की नेम नाम से, ठीक है, और नेम नाम से हमने की तो लिख दिया है, अब इसकी वैल्यू हमें देनी होगी। तो वैल्यू क्या देंगे हम, तो यहां पर नेम लिखने के बाद यहां पे एक कॉलन लगा देता हूं ताकि ये पता चलता रहे कि आगे हम जो की दिया है हमने उसकी वैल्यू हम आगे देने वाले हैं। तो यहाँ पे राम जो हमने दिया, इसमें राम जो है ये आपकी इस तरीके से हो जाएगा, और की और वैल्यू दो चीजें आ गई ना, ये नेम की है और राम इसकी वैल्यू है। फिर यहाँ पे क्लास नाम से बनाता हूँ क्लास, तो ये किस क्लास के हैं तो ये भी पता चलेगा। तब पता करने के लिए कि ये यहाँ से अलग हो रहा है, यहाँ पे मैं कॉलन लगा देता हूँ और यहाँ पे 12 लिख देते हैं, यानी 12 लिखा तो इसका मतलब क्या है कि ये क्लास 12th के हैं, ठीक है। और अब क्या करूंगा, यहाँ पे TH लगा देता हूँ, 12th हो जाएगा ये पूरा पूरा, ठीक है ना। और इसको भी क्या करूंगा, इस तरीके से डबल डॉट कॉमा के अंदर कर देंगे, तो यहाँ पे जाकर के और डबल डॉट कॉमा लगाना है हमको, तो ये डबल डॉट कॉमा लगा दिया और यहाँ से इसको क्लोज भी कर देना है। ये ध्यान रखिएगा, ओपन करिएगा तो क्लोज जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ कॉमा लगा दीजिए, ठीक है, कॉमा लगा दिया। अब यहाँ पे सेक्शन की बात करेंगे, तो फिर डबल डॉट कॉमा ओपन करेंगे, अब सेक्शन की बात करेंगे, तो लिखा SECTION सेक्शन, तो ये हो गया सेक्शन। अब यहाँ पर कॉलन लगा देंगे, कॉलन लगाने के बाद करना क्या है, जैसे ही कॉलन लगाते हैं तो कॉलन लगाने के बाद यहाँ पे सेक्शन का नाम दे देना है, तो ये है बी सेक्शन वाले, तो ये बी दे दिया हमने। इस तरीके से आपको कर देना है, बस काम हो जाएगा, बहुत आसान। तो ये हमने एक डिक्शनरी क्रिएट की है, ठीक है। अब इसको प्रिंट करवाएंगे तो जनरली सिंपल तरीके से यहाँ लिखेंगे प्रिंट, और यहाँ पर मैंने जो नाम दिया था उसी नाम के हिसाब से इसको प्रिंट करवा लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे माई स्टूडेंट, माई स्टूडेंट, इस तरीके से लिख दिया माई स्टूडेंट। अब ये माई स्टूडेंट नाम की लिस्ट को पूरा प्रिंट करेगा, तो कैसे प्रिंट करेगा, तो चलिए आइए देखते हैं। यहां से मैं क्लिक करता हूँ रन पर, ठीक है। तो ये रन पे जैसे ही क्लिक किया तो नीचे देख सकते हैं नेम राम क्लास 12th और सेक्शन भी यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा आपको, ठीक है। इसी तरीके से ये डिक्शनरी में चीजें स्टोर होती है, क्लियर है, ठीक है ना। तो ये डिक्शनरी बन गई इस तरीके से, समझिए। अब मान लीजिए कि इस डिक्शनरी के एलिमेंट्स को जो भी इसमें ऐड किए गई हैं चीजें, उसमें हम एक क्लियर फंक्शन का यूज करेंगे, क्लियर। अब क्लियर नाम से ही स्पष्ट है कि ये सारा क्लीन कर देगा, सब हटा देगा। तो यहां पर माई स्टूडेंट के नाम से जो लिस्ट बनी थी उसका नाम मैंने दे दिया है और डॉट क्लियर लगाएंगे, डॉट क्लियर इस तरीके से लगा दिया, डॉट क्लियर। और देन तो यहां पर ये पूरा ही रिकॉर्ड क्लियर कर देगा, जो भी अभी प्रिंट हुआ नीचे आप देख सकते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर इसको प्रिंट करेंगे, मतलब रन करवाएंगे, तब देखेंगे कि यहाँ पर खाली ब्रेसेस बच गया, बाकी कुछ भी नहीं बचा। यानी कि ये क्लियर फंक्शन इसी तरीके से काम करता है, ये क्लियर करने का काम करता है, क्लियर, ठीक है। तो ये हो गई डिक्शनरी और इस तरीके से हो जाएगा इसका क्लियरेंस, ठीक है। तो आई होप की बात समझ में आई होगी।